आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। हम आज अपने घर में भगवान गणपति जी की स्थापना किस विधि के अनुसार करेंगे, मैं आज आपको बहुत सरल विधि के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी अवश्य कहना चाहूंगा, जब भी आप अपने घर में भगवान गणपति जी की स्थापना पूजन आदि करते हों तो सर्वप्रथम श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों को लेकर ही अपने घर में भगवान गणपति जी की स्थापना कीजिएगा। शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा बड़ी श्रद्धापूर्वक। जब तक आपके घर में भगवान गणेश जी महाराज विराजमान है, अपने घर में क्लेश आदि से दूर रहिएगा, भगवान गणेश जी की अनन्य भक्ति का रस पान कीजिएगा। और आपको मैं यह अवश्य बताऊं कि जब भी आप गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति जी की स्थापना करते हैं तो मूलतः भगवान गणेश जी का जो जन्म मुद्गल पुराण के अंतर्गत बताया गया है वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जिसे भाद्र शुक्ली चौथ कहते हैं, इस दिन चंद्रमा का दर्शन भी करना वर्जित माना जाता है। तो आपने इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, गणेश जी की स्थापना का जो सर्वोत्तम मुहूर्त रहता है वह मध्याह्न काल में रहता है, क्योंकि मुद्गल पुराण के अंतर्गत भगवान गणेश जी का जो जन्म हुआ था वह मध्याह्न काल के समय हुआ था। तो जब भी आप अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापन करते हैं गणेश चतुर्थी में, तो आपने मध्याह्न काल का जो समय है अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, हम भगवान गणेश जी की पूजन के लिए जो जो हमको उपयुक्त सामग्री चाहिए वो आपके सामने एक बार मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। आपको ये अर्घ्य पात्र चाहिए, यदि अर्घ्य पात्र नहीं है तो आप इस लोटे में अर्घ्य पात्र का जल बना सकते हैं। और आपको थोड़ा प्रतिष्ठा के लिए जौ चाहिए, चावल चाहिए, यहाँ पर भगवान के लिए मोदक लड्डू आदि जो आपके पास हो उपयुक्त रूप से, पान का पत्र चाहिए, लवंग इलायची चाहिए, भगवान के लिए एक मौली का वस्त्र और उपवस्त्र हेतु, और यह यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत आप जितना भी हो पीली यज्ञोपवीत लीजिएगा, सफ़ेद यज्ञोपवीत नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान गणेश जी को सबसे प्रिय रहती है दुर्वा, दुर्वायाम यजेत गणपतिम, तो दुर्वा, ये दुर्वा की माला है, 108 दुर्वा की माला आप बना सकते हैं, 21 दुर्वाओं की माला आप बना सकते हैं, एक गांठ में 21 दुर्वा बांधनी है, ऐसे करके आपने 108 दुर्वाओं की माला बना लेनी चाहिए अगर आपकी श्रद्धा विश्वास। यहाँ पर पुष्प आदि हैं, यहाँ पर चावल अक्षता आदि पवित्री है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अखंड दीपक है, यदि आप 10 दिन तक अखंड दीप प्रज्वलित करके रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। जब तक आपके घर में गणपति जी विराजित हैं तब तक आपको अपने घर में अखंड दीप की स्थापना कर लेनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं भगवान गणपति जी के स्नान के लिए दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, और ये गंधोदक है, थोड़ा सा इसमें हमने रक्त चंदन मिलाया है, ये पंचामृत है, भगवान गणेश जी के लिए सिंदूर है, यह इत्र है, और भगवान गणेश जी के लिए यह वस्त्र हो गया, शंख घंट फलादि हो गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपको दिख रहा हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपारी में मैंने एक मौली का वस्त्र लपेट कर रखा हुआ है। इसका भावार्थ यह है कि भगवान गणपति जी का जब हम स्नान कराएंगे तो हमने भगवान गणेश जी के प्रतिनिधित्व के रूप में सुपारी में ही सारा सर्वांग स्नान आदि कराना है, क्योंकि भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा आप देख सकते हैं आपके सामने विराजित है भगवान गणपति बापा, तो हम यदि भगवान गणेश जी का स्नान अगर मूर्ति में कराएंगे तो भगवान गणेश जी की मूर्ति माटी की है तो इससे भगवान गणेश जी की मूर्ति पिघलने का भय रहता है, और भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा है वो कहीं ना कहीं से क्षतिग्रस्त भी हो सकती है, टूट सकती है, तो इसलिए हमने प्रतिनिधित्व रूप में हमने यहाँ पर सुपारी के गणेश जी यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भगवान गणेश जी की प्रतिमा है उसको आपने लाल वस्त्र के ऊपर रखना है, और इनकी प्रतिमा के नीचे आप एक चांदी का सिक्का रख सकते हैं, क्वाइन रख सकते हैं चांदी का। और जब 10 दिन तक आपकी स्थापना के बाद जब आप गणेश जी का विसर्जन करते हैं उसके उपरांत जो क्वाइन है, जो सिक्का है, आप उसको अपने जहां पर आप अपना खजाना रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर आप उसको रख सकते हैं। तो हम पूजन प्रारंभ करें, पूजन प्रारंभ से पूर्व आपके हाथों में पवित्री धारण कर लेनी चाहिए अनामिका अंगुली में, और अनामिका अंगुली में पवित्री धारण करके आपको 3 बार आचमन कर लेना चाहिए। 3 बार आचमन आदि करने के तदुपरांत आपको अपने हाथों को प्रक्षाल्य कर लेना चाहिए, और हाथों को प्रक्षाल्य कर लेने के तदुपरांत अब आपको भगवान
गणपति जी का स्मरण करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मात्र केवल जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ वो भगवान गणेश जी की स्थापना बता रहा हूँ, बाकी स्वस्ति वाचन, गणेश पूजन, षोडश मातृका पूजन, घृत मातृका पूजन, कलश स्थापन, जो भी विधि है आपको पूर्ववत कर लेनी चाहिए, उसके तदुपरांत ही गणेश जी की स्थापना आपने करनी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर गणेश जी की जो नई प्रतिमा है इसकी स्थापना हमने किस प्रकार करनी है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम देखिए आपने क्या करना है, आपने हाथों में पुष्प लेना है और पुष्प लेकर भगवान गणपति जी को प्रणाम करना है। आपको कोई भी मंत्र आता हो उसी मंत्र के द्वारा आप भगवान गजानन जी को प्रणाम कीजिए। यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो आप सूक्ष्म मंत्रों का भी सहारा ले सकते हैं। भगवान की पूजा बिना मंत्रों के नहीं करनी चाहिए, बिना मंत्र तामसी शात, बिना मंत्रों की पूजा तामसी हो जाती है। इसलिए यदि आप आगम मंत्र नहीं ले सकते हैं अथवा आप यदि वैदिक मंत्र नहीं पढ़ सकते तो आप नाम मात्र के द्वारा भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। तो जैसे भगवान गणेश जी के, जैसे भगवान गणेश जी का द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते गजाननाय, प्रथम मंत्र आप इसको ले सकते हैं, अथवा दूसरा मंत्र ले सकते हैं, ओम ह्रीम गम ह्रीम महागणपतये नमः, आप दूसरा मंत्र यह भी ले सकते हैं। तीसरा सबसे सरल और प्यारा है बीज मंत्र, वह है ओम गम गणपतये नमः, अथवा आप चौथा जो बीज मंत्र है वह ले सकते हैं गणेश जी का, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौं गम गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानयम स्वाहा, आप इस मंत्र के द्वारा भी भगवान गणेश जी का सर्वांग पूजन कर सकते हैं। अथवा भगवान गणेश जी की गायत्री है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, तो आप इस मंत्र के द्वारा भी भगवान गणपति जी का सर्वांग पूजन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको अपने हाथ में पुष्प लेके भगवान गणेश जी का चिंतन कर लेना चाहिए, मन में भाव रखिए कि हे प्रभु, जिस श्रद्धा के साथ आज आपकी स्थापना करने जा रहा हूँ आप मुझे सर्व रूप से फल प्रदान करने वाले बने, हे प्रभु यथाशक्ति यथा भक्ति जिस विधि के साथ भी मैं आपका पूजन करूँ आप उसे स्वीकृत कीजिएगा। इस प्रकार भगवान को मनसा प्रणाम करके भगवान जी से प्रार्थना कीजिए, मंत्र कहिए, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गं गणपतये नमः। इस प्रकार भगवान गणेश जी को आपने प्रणाम कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करनी है, तो आपने सर्वप्रथम क्या करना है, अपने हाथ में संकल्प लेना है, स्थापना के लिए प्रतिष्ठा के लिए आपने पूर्व संकल्प लेना है। हाथ में दुर्वा रखिए, दुर्वा में थोड़ा जौं रखिए, जौं में थोड़ा सा आप पुष्प रखिए और पुष्प के साथ आप थोड़ा सा जल रखिए। आप इसमें दक्षिणा भी रख सकते हैं, एक सुपारी भी रख सकते हैं आप उंगी फल, और आपने संकल्प यह लेना है कि मैं जिस भी कामना हेतु अपने घर में भगवान गणपति जी की स्थापना कर रहा हूँ वह मेरे सारे कार्य सिद्ध हों। यहाँ पर मैं सूक्ष्म संकल्प आपको बता रहा हूँ, अपना नाम, अपने परिवारजनों का नाम, धर्मपत्नी हो तो उनका नाम, सब परिवारजनों का नाम लेकर आपने क्या कहना है, आपने कहना है अहम ममात्मनः सकल दोष उत्पात निखिल दुरितो पश्मन द्वारा आयुरारोग्यम संवृद्धि हेतवे धन धान्यादि यश विजय मनोइप्सित फल प्राप्ति कामना संसिद्ध्यर्थम यथाशक्ति यथा भक्ति श्रद्धा अनुसारेण श्री सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहिताय श्री महागणपति प्रत्यर्थम जात कर्मादि पंच संस्कार पूर्वकम प्राण प्रतिष्ठा वाहनम पूर्वकम यथा लब्धोपचारे तदीयम गणपतिर पूजनम महम च करिष्ये। हरिओम तस्सत कहना है, हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत, नमो नमः। इस प्रकार देखिए अपना संकल्प भगवान को प्रदत्त कर दें। इस प्रकार संकल्प करने के तदुपरांत अब हमको भगवान गणपति जी की प्रतिष्ठा करनी है, किंतु उससे पूर्व हमको न्यास करना होता है, अर्थात कि हम अपने
अंग प्रभावों को प्रकाशित करते हैं, देवमय बनाने के लिए देव भूत्वा देवम यजित के भाव को लेकर हम न्यास करते हैं, तो हमको गणेश न्यास करना पड़ता है। तो गणेश न्यास करने के लिए हम मुद्गल पुराण के अंतर्गत दिए गए न्यास का सहारा लेकर देखिए किस प्रकार हमको न्यास करना है, और न्यास करने के उपरांत ही हमको गणेश जी की स्थापना आदि करनी चाहिए। तो ओम वक्रतुंडाय नमः, दक्षिण हस्ते अपने दाहिने हाथ को, ओम सूपकर्णाय नमः अपने यह वाम हस्ते बाएं हाथ को, ओम विघ्नेशाय नमः ओष्टे अपने होठों का स्पर्श कीजिए, ओम लंबोदराय नमः दक्षिण पादे अपने दाहिने पैर में अपने हाथ का स्पर्श कीजिए, ओम एकदंताय नमः वाम पादे अपने बाएं पैर में अपने हाथ का स्पर्श कीजिए, ओम एकदंताय नमः सिर से अपने सिर पर ऐसे हाथ स्पर्श कीजिए, ओम ब्रह्मणस्पति नमः चुबके अपनी चुबकी में ऐसे हाथ स्पर्श कीजिए, ओम विनायकाय नमः दक्षिणनासिकायाम दक्षिणनासिका का, ओम ज्येष्ठ राजाय नमः वाम नासिकायाम ऐसे करेंगे, ओम विकटाय नमः दक्षिण नेत्रे अपने दाहिनी आँख का स्पर्श कीजिए, ओम कपिलाय नमः वाम नेत्रे अपने बाएं आँख का स्पर्श कीजिए, ओम धरणीधराय नमः दक्षिण करणे अपने दाहिने कान का स्पर्श कीजिए, ओम आशुपूरकाय नमः अपने बाएं कान का स्पर्श कीजिए, ओम महोदराय नमः अपने नाभि को स्पर्श कीजिए, ओम धूम्रकेतवे नमः अपने हृदय के पास हाथ लेकर स्पर्श कीजिए, ओम मयूरेशाय नमः अपने ललाट के सामने स्पर्श कीजिए, स्वानंद वासकारकाय नमः ऐसे अपने दक्षिण बाहु का स्पर्श कीजिए, ओम सच्चित सुखधामने नमः अपने ऐसे बाएं हाथ का स्पर्श कर लेंगे। देखिए इस तरह से, इस प्रकार गणेश न्यास करने के तदुपरांत अब आपके अंदर जब देव शक्तियां जागृत हो जाती हैं तब आपने भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। तो आइए मैं आपको विधि सिखाता हूँ। हमको भगवान गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा हेतु सर्वप्रथम अपने हाथ में छंद लेना है, अर्थात इस प्रकार जल लेना है। जल लेकर आप मेरे साथ मंत्र पढ़िए, आपके स्क्रीन में वह मंत्र आ रहे होंगे। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग यजु साम अथर्वाणी छंदांशी क्रियामय वपुः प्राणाख्या देवता आंग बीजम हिम शक्ति क्रौं कीलकम अश्याम गणपति मूर्तौ प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। यह मंत्र पढ़ के जल को ऐसे पृथ्वी पर किसी पात्र में जल छोड़ देंगे। अपने हाथ में एक पुष्प लेना है, तरह से अनामिका उंगली में पकड़ना है, वैसे स्वर्ण की शलाका से करते हैं प्रतिष्ठा, भगवान के अंगों का स्पर्श करते हैं, किंतु आपने एक पुष्प ले लेना है और पुष्प लेकर आपने देखिए भगवान के अंगों का स्पर्श करना है। जब भी आप भगवान के अंगों का स्पर्श करेंगे दाहिने हाथ से प्रारंभ करना है, मूर्ति के ऊपर से ऐसे हाथ नहीं घुमाना है, दाहिने हाथ से ऐसे आपने स्पर्श करना है भगवान की आँखों को नेत्रों को आपने ऐसे स्पर्श करना है, ठीक है ना। तो देखिए आपको मैं जो मंत्र बता रहा हूं वो मंत्र आपके स्क्रीन में आ रहे होंगे, आपने उन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को करना चाहिए। प्रकार से भगवान के ऊपर पुष्प आच्छादित करें और मंत्र बोलिए, ओम आं ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं सं सं हं लं छं हं सहसो अहं आसाम नूतनमूर्तीनां प्राणा इह प्राणाः तिष्ठन्तु। ओम आं ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं सं सं हं लं छं हं सहसो अहं आसाम नूतनमूर्तीनां जीव इह स्थितः। फिर मंत्र पढ़िए, ओम आं ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं सं हं लं छं हं सः सो अहं आसाम नूतन मूर्तिनां सर्वे इंद्रियाणि वाक मन त्वक चक्षु श्रोत जिह्वा घ्राण पाणी पाद पायुपस्तानि हिवागत्य सुखम चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। भगवान के सर्वांग ऐसे अंगों का आपने देखिए स्पर्श करके पुष्प को ऐसे रख देना है। आपका जो ये दाहिने हाथ का अंगूठा है आपने भगवान के हृदय पर लगाना है, और जो आपका बायां हाथ है उसको आपने अपने हृदय के पास रखना है। ओम मंत्र कहिए, अशय प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाश्चिरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै।
राम हेति च कश्चन। इस प्रकार आपने इस मंत्र को 3 बार बोलना है। अब आपने मूर्ति नाम जात कर्मादि पंच संस्कारान संपादये, हमने भगवान जी के लिए 15 बार ओम ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। तो यह पंच संस्कार कहलाता है जात कर्मादि मूर्तियों के लिए। कैसे करें, अपना जो बायां हाथ है अपने हृदय पर लगाइए और दाहिने हाथ को भगवान गणपति जी की प्रतिमा की ओर ले जाकर 15 बार ओम शब्द का उच्चारण बहुत प्रेम पूर्वक कीजिए। ओम 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 ओम। यहाँ पर आपने पंच जात संस्कार आदि संपादये यह करने के तदुपरांत अब आपने अपने हाथ में शंख लेकर भगवान के दाहिने कान में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है शंख के द्वारा। कितनी बार, 11 बार कर सकते हैं, 7 बार, 9 बार, 5 बार, 3 बार आप करवा सकते हैं। तो देखिए कैसे, आपने इस प्रकार देखिए शंख अपने हाथ में लेकर आपने भगवान के दाहिने कान में यहाँ से गायत्री मंत्र बोलना है। आपने इस प्रकार गायत्री मंत्र बोलकर शंख को ऐसे धोकर स्थापित कर देना है। पुष्प लेकर आपने भगवान से कहना है, स्वागतम देव देवेशम मद भाग्या त्वमीमिहागतः प्राकृतम त्वम दृष्ट्वा माम बालवत परिपालय। इस प्रकार अपने हाथों का पुष्प लेकर भगवान को अर्पित कर दीजिए। अपने हाथ में जौ और चावल लेकर भगवान के ऊपर एक एक जौ और चावल का दाना अर्पण करना है। आप मंत्र कह सकते हैं, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, ओम गम गणपति नमः आदि मंत्र उच्चारित कर सकते हैं। तो देखिए भगवान की प्रतिमा के ऊपर ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पतिर्जगन्मीमं तनुत्वरिष्ठं जगन्गुं समीमं दधातु विश्वे देवा संयमादयं तामों प्रतिष्ठा। इस प्रकार आपने भगवान के समस्त श्री अंगों में जौ और चावल का छिड़काव करना चाहिए। इसे बोलते आवाहन हेतु जौ और अक्षतों को देना। और इस प्रकार देखिए आवाहनी मुद्रा बनाकर भगवान से कही, ओम सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहिताय श्री मनमहा गणाधिपति नमः। इस प्रकार देखिए आवाहनी मुद्रा, स्थापनी मुद्रा और नमस्कार मुद्रा बनाकर भगवान को आप प्रणाम कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप मेरे भावानुसार इस प्रतिमा में आकर विराजित हो जाइए। आप तो कणकण में विद्यमान है किंतु हे प्रभु शास्त्र की मर्यादा श्रद्धा भक्ति के अनुसार आपकी स्थापना में जो कर रहा हूँ, आप इस स्थापना को प्रतिष्ठा को स्वीकार करके इस प्रतिमा में आकर विराजित होइए और अपने भक्त के संपूर्ण कार्यों को सफल कीजिए। ये श्रद्धा भाव रखकर अब आपने भगवान के प्रति क्या करना है, पुष्प देना है। भगवान का आह्वान होने के बाद अब आपने भगवान को पुष्प का आसन देना। देखिए यहाँ पर मैंने प्रतिनिधित्व रूप में भगवान गणेश जी की स्थापना करी है। आपने जितना भी सर्वांग पूजन करना है अब यहीं पर ही करना है। भगवान को पुष्प का आप ऐसे आसन प्रदत्त कर देंगे। पुष्प आसन देने के उपरांत मंत्र आपका चलना चाहिए ओम गम गणपति नमः। तो इस प्रकार ओम गम गणपति नमः पुष्पासनम समर्पयामि, पुनः ऐसे नमस्कार कर देना है। उसके तदुपरांत अब आपने भगवान को पाद्यम, भगवान के पैरों में जल देना है। तो आप ऐसे जल का स्पर्श करके, यहाँ पर प्रतिनिधित्व रूप में हमने जो भगवान गणपति जी को सुपारी के रूप में बनाए हैं, आपने पाद्यम जल अर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद पुनः से शुद्ध जल का अर्पण आपने कर देना है। उसके तदुपरांत अब आपने भगवान श्री गणपति जी को अर्घ्य जल देना है। अर्घ्य में थोड़ा सा जल भर दीजिए, थोड़ा उसमें चंदन आदि डाल दीजिए, द्रव्य और दुर्वा डालकर भगवान गणेश जी के चारों हाथों में देखिए ऐसे ओम गम गणपतये नमः हस्त्योर अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य जल संपादित करने के तदुपरांत अब आपने पुनः से शुद्ध जल अर्पण कर देना चाहिए।
शुद्ध जल अर्पण करने के तदुपरांत अब आपने भगवान गणेश जी को दूध का स्नान कराना है। माटी की प्रतिमा है, हम इसमें दूध दही आदि डालेंगे तो प्रतिमा गल जाएगी, तो इसलिए हमने जो प्रतिनिधित्व रूप में हमने भगवान गणपति जी सुपारी में बनाए हैं, आप इसमें स्नान कराना, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे भगवान के समस्त श्री अंगों को ऐसे घुमाकर आपने ओम गम गणपते नमः 5 बार स्नान कराना चाहिए। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। आपने इस प्रकार गम गणपते नमः कह के दुग्धम स्नानम समर्पयामि बोलना। उसके बाद पुनः से भगवान के श्री अंगों का ऐसे जल घुमाकर आपने शुद्ध जल का स्नान कराना है। उसके उपरांत दूध के बाद दही का स्नान कराएंगे। ओम गं गणपते नमः दध्यम स्नान में देखिए 5 बार स्नान कराना चाहिए आपने। 5 बार स्नान करा के ओम गं गणपते नमः, उसके तदुपरांत आपने भगवान श्री गणेश जी को शुद्ध जल का स्नान कराना है, ठीक है। शुद्ध जल का स्नान कराने के तदुपरांत दूध दही घी घी का स्नान देखिए घृत स्नान। ओम गं गणपते नमः घृतम स्नानम समर्पयामि। आप 5 बार भगवान गणेश जी को घृत लगा दीजिए। प्रत्येक स्नान आपने भगवान गणेश जी को 5 बार कराना चाहिए। घृत स्नान आदि कराने के उपरांत अब आपने भगवान श्री गणेश जी को मधु का स्नान कराना। देखिए मधु का स्नान करा दीजिए। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरंति सिंधवः मार्द्वीन भसंत वौकदीः। आप मंत्र के स्थान पर ओम गम गणपते नमः गजनंदनाय नमः गजाननाय नमः वक्रतुंडाय नमः शुद्धम जलम। उसके तदुपरांत आपने अब शर्करा का स्नान कराना है। शक्कर का स्नान कराना। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। 5 बार आप ऐसे स्नान करा के फिर शुद्ध जल का स्नान करा देंगे, ठीक है। शुद्ध जल का स्नान कराने के तदुपरांत अब आपने भगवान गणेश जी को पंचामृत का स्नान कराना चाहिए। ओम एक दंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। ऐसे आपने भगवान गणेश जी को पंचामृत का स्नान करा देना चाहिए। उसके तदुपरांत आपने शुद्ध जल का स्नान कराना है। उसके तदुपरांत आप देखिए आप भगवान गणेश जी को यह गंधोदक का स्नान कराएंगे। त्वाम गंधर्वा अखनस्त्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वां यक्षमादमुच्यत। ओम गं गणपते नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल अर्पण कर देंगे। शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। अब आप चाहें तो भगवान गणेश जी का गणपति अथर्व शीर्ष के द्वारा नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि आदि वैदिक मंत्रों के द्वारा आप भगवान गणपति जी का अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप इतना लंबा वैदिक मंत्र नहीं पढ़ सकते तो आप कम से कम 11 बार ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः आदि बीज मंत्र के द्वारा नाम मंत्र के द्वारा भगवान गणेश जी का अभिषेक अवश्य करेंगे। भगवान गणेश जी का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। तांबे के पात्र से भगवान गणेश जी का अभिषेक करें क्योंकि विघ्नेश ताम्र पात्रेण। भगवान गणेश जी को ताम्र पात्र अत्यंत प्रिय है तो तांबे के पात्र से आपने भगवान गणेश जी का अभिषेक कर लेना चाहिए। अथवा भगवान गणेश जी की 108 नाम माला के द्वारा अभिषेक कर सकते हैं। भगवान जी के नाम मंत्रों के द्वारा आप अभिषेक कर सकते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष के द्वारा किया जाए तो अत्यंत लाभकारी रहता है। अभिषेक आदि करने के तदुपरांत ओम गम गणपते नमो नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। यह जो जल है आप एक पात्र में डाल देंगे, ठीक है। उसके तदुपरांत आप इस पात्र को धो धाकर पुनः से शुद्ध करके इसमें थोड़ा सा आप ऐसे चावल को एकत्रित कर लीजिए। उसके ऊपर आप भगवान गणेश जी के प्रतिबिंब स्वरूप में जो सुपारी है आप उसको रख दीजिए। प्रकार देखिए भगवान जी का शुद्धिकरण करके अब आपने यज्ञोपवीत भगवान के श्री अंग में धारण करवानी चाहिए। यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीत में थोड़ा सा जल आदि लगाकर थोड़ा सा गंधम लगाकर भगवान के देखिए बाएं कंधे से दाएं कंधे की ओर ओम गम गणपते नमः यज्ञोपवितानिं समर्पयामि पुनः एकस्मिन् आचमनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान श्री गणेश जी को आपने श्रद्धानुसार वस्त्र अर्पण कर देना चाहिए। युवासुवासा परिवीते आगात सुश्रियान भवति जायमानः ओम गम गणपति नमः कह के आप वस्त्र अर्पण कर दीजिए। उसके तदुपरांत पुनः आचमनी का
जल अर्पण कर दीजिए। उसके तदुपरांत अब आपने भगवान गणेश जी को उपवस्त्र देना है। कांधे पर वस्त्र है, कांधे पर अगर आपके पास वैसा वस्त्र नहीं है तो आप एक मौली के धागे से भी भगवान गणेश जी के बाएं कांधे पर एक वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, उपवस्त्रम कहते हैं इसको। उपवस्त्राणि समर्पयामि, भगवान को नमस्कार कर देंगे। उसके तदुपरांत भगवान गणेश जी को अब आपने सिंदूर अर्पण करना है। देखिए भगवान गणेश जी सिंदूर प्रिय हैं। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम, ऐसे भगवान गणेश जी को सिंदूर ऐसे दिखाकर आप यहाँ पर सिंदूर अर्पण कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान की जो नासिका है, इस नासिका से आप सर्वांग भगवान को सूंड से लेकर देखिए नीचे से ऐसे ऊपर की ओर तिलक अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चंदन अर्पण कर दीजिए, चंदन है तो चंदन के उपरांत आप भगवान गणेश जी के ऐसे अक्षत अर्पण कीजिए। अक्षत के उपरांत अब आप भगवान गणेश जी को पुष्पमाला अर्पण कर दीजिए। ओम पुष्पमाल्याम समर्पयामि, कह दीजिए ओम गम गणपते नमः पुष्पमाल्याम समर्पयामि, भगवान गणपति गजानन जी को प्रणाम कर दीजिए। धूपम आग्रापयामि, कह दीजिए दीपम संदर्शयामि, धूप दीप दिखा दीजिए। अपने हाथों को प्रक्षाल्य कर लेंगे। प्रक्षाल्य करने के तदुपरांत अब आपने देखिए भगवान गणेश जी के लिए यह दुर्वा की माला बनाई है। आप भगवान गणपति जी को दुर्वा माला, ये तो अत्यंत प्रिय है भगवान गणपति जी को, यह अवश्य अर्पण कीजिए। दुर्वा माला अर्पण करने के तदुपरांत अब आपने भगवान गणेश जी के नामों के साथ एक एक दुर्वा पकड़नी है और एक एक दुर्वा के द्वारा भगवान गणपति जी की पूजा करनी है, ठीक है। ओम गणाधिपम नमस्ते स्तु गणाधिपाय नमः, उमापुत्र नमस्ते स्तु उमापुत्राय नमः, अघनाशनाय नमस्ते स्तु अघनाशनाय नमः, विनायकम नमस्ते स्तु विनायकाय नमः, ईशपुत्र नमस्ते स्तु ईशपुत्राय नमः, ओम मूषकवाहन नमस्ते स्तु मूषकवाहनाय नमः, कांडात कांडात प्रोरंति पुरुष प्रशुष्परि एवानो दूर्वे प्रतनु शास्त्रेण शतेन च श्रीमन महागणाधिपतये नमः, दुर्वांकुरे दुर्वां समर्पयामि, पुनः नमस्कार कर देंगे, ठीक है। दुर्वा अर्पण करने के उपरांत अब आपने भगवान गणेश जी को मिष्ठान, तांबूल, फल, लवंग, इलायची, अब मोदक आपके पास हो भगवान के लिए मोदक, यहाँ तो मैं आपको केवल एक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने भगवान गणेश जी के लिए ऐसे देखिए भोग की थाली को, नैवेद्य की थाली को सजा लेना है और दोनों हाथ में ऐसे रखकर भगवान से कहिए कि हे प्रभु, मुझ दीनहीन के द्वारा जैसी भी व्यवस्था आपके लिए उचित रूप में बन पड़ी, मैं आपको नैवेद्य का भोग अर्पण करता हूँ। आप तो समस्त संसार को देने वाले हैं, भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ, अपना प्रेम अपनी श्रद्धा इस नैवेद्य में रखकर मैं आपको अर्पित करता हूँ, हे प्रभु आप स्वीकार कीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः, सर्वविधम नैवेद्यम निवेदयामि नमस्करोमि, नमस्कार करके आप अपने हाथ में जल लेके ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा कहते हुए जल को पृथ्वी पर छोड़ देंगे। भगवान गणेश जी को दक्षिणा अवश्य अर्पण कर दीजिएगा। दक्षिणा आदि अर्पण करने के उपरांत अब आपने भगवान के श्री अंगों की पूजा करनी है। ओम अपने हाथों में चावल अक्षत लेकर कहिए ओम श्री गणेश्वराय नमः पादो पूजयामि, पैरों के पास चढ़ा दीजिए। ओम विघ्न राजाय नमः जानुनी पूजयामि, पैरों से थोड़ा ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर कहिए ओम आँख वाहनाय नमः उरु पूज्यामि, थोड़ा सा फिर पैरों से ऊपर चढ़ा दीजिए। ऊपर से फिर कहिए ओम हेमरम्बाय नमः कटिम पूज्यामि, भगवान की कमर के पास चढ़ा दीजिए। ओम कामारी सूनवे नमः नाभिम पूज्यामि, भगवान श्री गणेश जी की नाभि के पास चढ़ा दीजिए। ओम लंबोदराय नमः उदरम पूज्यामि, भगवान जी के पेट के पास चढ़ा दीजिए। ओम गौरी सुताय नमः स्तनो पूज्यामि, भगवान के छाती के पास हृदय के पास अर्पण कर दीजिए। ओम स्थूल करणाय नमः कंठम पूजयामि, भगवान के गले के पास अर्पण कर दीजिए कंठ के पास। ओम स्कंदाग्रजाय नमः स्कंधौ पूजयामि, भगवान के दोनों कंधों के पास। ओम पाशहस्ताय नमः हस्तो पूजयामि, भगवान के चारों हस्तों के पास हाथों के पास अर्पण कर दीजिए। ओम विघ्नहंत्रे नमः लाठम पूजयामि,
भगवान के ललाट के पास अर्पण कर दीजिए। ओम सर्वेश्वराय नमः, शिर पूजयामि, भगवान के सिर के पास अर्पण कर दीजिए। ऐसे अंत में सारे चावल जितने आपके पास बचे हैं जौ चावल, ओम गणाधिपाय नमः, सर्वांगे सर्वांगम पूजयामि, भगवान के समस्त अंगों में अक्षय चावल अर्पण कर देंगे। यदि आपके पास नाना प्रकार के पुष्प पत्र हैं, जैसे मालती का पुष्प है, भृंगराज का पत्र पुष्प है, बिल्व पत्र है, श्वेत दुर्वा है, बद्री पत्र है, धतूर है, आदि अनेक प्रकार के विष्णु क्रांता पुष्प हो गए, मरुपत्र हो गए, बहुत प्रकार के अश्वत पत्ते हो गए, आप भगवान गणेश जी को अर्पण कर सकते हैं। अर्पण आदि करने के तदुपरांत आपने भगवान गणेश जी को विशेष अर्घ्य देना है। अपने हाथ में अर्घ्य पात्र ले लीजिए, उसमें आप एक फल रख दीजिए और मंत्र कहिए, रक्ष रक्ष गणादक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक अनेन सफला अर्घ्येण वरदो फलदो शुभदो सुखदो सदा मम श्रीमन महागणाधिपते नमः विशेषादि अर्घ्यम जलम समर्पयामि अनंत अनंत कोटि नमस्काराम समर्पयामि। हमारा ये इत्र रह गया था, आप भगवान गणेश जी के वस्त्रों में ऐसे इत्र अर्पण कर दीजिएगा। देखिए इस प्रकार यथाशक्ति भक्ति श्रद्धा अनुसार हमने जो पूजन किया उसके तदुपरांत इसकी परिपूर्णता के लिए हमको भगवान गणेश जी की आरती करनी है। तो आपने नित्य भगवान गणेश जी को इसी प्रकार से पूजन करना है। यदि इतना पूजन नहीं कर सकते तो आप भगवान को रोज तिलक गंधाक्षत कीजिए, रोज भगवान गणेश जी को पुष्प और ये दुर्वा की माला रोज अर्पण कीजिए। रोज आपने भगवान की माला को बदलना है, आपने रोज भगवान को नैवेद्य मोदक का भोग लगाना है और रोज आपने भगवान की आरती करनी है। और भगवान की आरती होने के तदुपरांत आपने भगवान से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना अवश्य करनी है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियग्न विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम लंबोदर नमस्तुभ्यं सततम् मोदक प्रियम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहिताय शुभ परिवार सहिताय आदि कोटि अनंत कोटि श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः अनंतानंत कोटि नमस्कारं समर्पयामि। भगवान को इस प्रकार पत्र पुष्प अर्पण करके अपने स्थान पर खड़े होकर आपने भगवान गणपति जी के लिए 3 बार परिक्रमा करके भगवान के आगे अपना शीश नवाना है, माथा टेकना है, अपने हाथ में जल लेकर आप कहिए, अनेन कृतार्चनेन पूजनेन जपेन कर्मणा कर्मणा श्री सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहिताय अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक विघ्न राजाय चरणारविंदम सर्वांग पूजन प्रियंताम नमः। मैंने जितना भी सर्वांग पूजन आदि कर्म किया, हे प्रभु मैं आपके चरणारविंदों में अर्पित करता हूँ। इस प्रकार आप पृथ्वी पर इस जल को छोड़ देंगे और इस जल को जो छोड़ा है अनामिका उंगली से अपने माथे पर इस जल को अर्पण कर लेंगे। कहिए, ओम शक्राय नमः, इंद्राय नमः, विघ्नराजाय नमः। इस प्रकार यथाशक्ति भक्ति श्रद्धा अनुसार हमने भगवान गणपति जी का यह पूजन किया। हमारे पास जो था यथा लब्धोपचारेण हमने यह सर्वांग पूजन किया। पूजा में कहीं त्रुटि रह गई हो तो विद्वत जन क्षमा करें। इस प्रकार भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमारे पर, परिवार के ऊपर, संपूर्ण संसार के ऊपर बना रहे, समस्त विघ्नों का हरण करें, शुभ काज करें, शुभ लाभ करें। हे प्रभु गणपति जी, हम आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। भक्त की प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा। बोल श्री गणपति भगवान की जय।